हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वेव करियर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वैकेंसी लेके आया हूँ, ठीक है, जिसका बहुत से लोगों को इंतजार है। दोस्तों इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, ठीक है, तो उस वीडियो में किसी की डाउट क्लियर नहीं हुई। मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि किसी सभी की अलग अलग सवाल है, कोई पूछ रहा है वैकेंसी कब निकलेगी, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, जबकि मैंने वीडियो में बता दिया था। लेकिन आज मैं फिर से मैंने सोचा कि दोबारा से वीडियो बनाई जाए। मैंने दो वीडियो पहले डाल दिया, मैं तीसरी वीडियो है इस पर, तो मैं इसमें कंप्लीट डिटेल दे रहा हूँ आज आपको, पूरी क्या प्रोसेस है, कब होगा, क्या होगा, पूरी डिटेल दूंगा आपको। आपको कोई भी संशय वाली बात नहीं रहेगी इसमें, ठीक है दोस्तों। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मत करो मेरे को कोई, क्योंकि मेरे कहने से आप सब्सक्राइब करने वाले नहीं हो, क्योंकि वीडियो पर लगभग जिस वीडियो पर 500 व्यू आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप 500 लोगों को मैं बोल रहा हूँ तो वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो मत करना, मेरे को उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जिसको अच्छा लगेगा वो अपने आप करेगा। तो सबसे पहले सभी लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये फॉर्म कब लगेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म कब लगेंगे दोस्तों, देखिए फरवरी लास्ट से लेके और मई के बीच में, फरवरी लास्ट और मई तक तो ये फॉर्म लग जाएंगे दोस्तों, ठीक है। लास्ट मई का एवरेज है कि लास्ट मई में लग जाएंगे, लास्ट मई तक लग चुके होंगे। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि अभी नहीं आएगी ये वैकेंसी, अभी नहीं आएगी, लेकिन ये वैकेंसी अभी मई तक आ जाएगी, फाइनल है मेरे तरफ से, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसकी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है लोगों का कि भाई फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे अप्लाई करना है हमको। तो फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म अप्लाई अपना फॉर्म लगेगा ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म होता है ये। कहीं भी जब भी ये फॉर्म लगेगा तो आप ई मित्र पर जाकर कहीं भी इसको ऑफलाइन ये परचेज कर लेना, वहाँ पे एड्रेस वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा उस टाइम पे, कहाँ पे भेजना है, क्या करना है, पूरी प्रोसेस वहीं भी पता चल जाएगी आपको। तो ये फॉर्म दोस्तों ऑफलाइन भरा जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है कि इसका ड्राफ्ट कटेगा, ठीक है। तो आपको 100 रुपये का ड्राफ्ट कटेगा इसका, जो आपको पोस्ट ऑफिस से या बैंक से कहीं से भी आपको कटवा लेना है। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें, सबसे पहले फोटो, ठीक है दोस्तों, फोटो चाहिए, दो या तीन जितनी भी चाहिए वो आपको बाद में बता दी जाएगी, जब भी वैकेंसी ये ऑनलाइन हो जाएगी, ठीक है। और आप पहले ही ये डॉक्यूमेंट बनवा के तैयार कर लेना, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास। अब एक बात ध्यान देने की है दोस्तों, मूल निवास जो है वो आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 3 साल का ही बना हुआ होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र ये भी लगभग आपकी 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अभी अभी शायद करंट ही बनवा लेना, बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप करंट अभी बनवा लेना, अभी बनवाओगे तो आपके आराम से चल जाएगी जाति, ठीक है। जाति आपके होनी चाहिए स्टेट लेवल की, कभी सेंट्रल वाले लगाओ, स्टेट लेवल की चाहिए, क्योंकि स्टेट की नौकरी है, राजस्थान गवर्नमेंट की, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है क्या चाहिए, आधार कार्ड आपका, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो 10वीं की 12वीं की जो भी मार्कशीट है, मार्कशीट अंक तालिका। अब यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, वरना कई बोल रहे थे अनपढ़ के लिए वैकेंसी, 8वीं पास के लिए, नहीं, 10वीं पास के लिए है वैकेंसी, ठीक है, 10वीं पास होना चाहिए बंदा। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें चाहने वाली, ठीक है दोस्तों, आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों इसमें। अब ये अब बोलते हैं ये कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ बनेगा ये एक्सपीरियंस, तो आप कहीं भी किसी स्कूल से, किसी भी कॉलेज वगैरह से, या फिर किसी हॉस्पिटल वगैरह से आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट करिए, आपको ये वो बना देंगे अगर आपके कोई कांटेक्ट में होगा तो, ठीक है। या फिर अदरवाइज कोई ठेकेदार वगैरह के आपने काम किया हो तो वहाँ से आपको ये 2 साल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन होता है कि क्या काम करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। जब आप आपको वैकेंसी दी गई है सफाई कर्मचारी की, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सभी को ये पता चलता है कि यहाँ से आपको सफाई कर्मचारी की नौकरी मिलेगी। लेकिन एक जैसे ही आपकी क्वालिफिकेशन होगी उस हिसाब से आपको नौकरी मिल जाएगी। स्टार्टिंग में आपको 2 साल तक टर्निंग बेस होता है, 2 साल तक आपको इसी पद पर काम करना है, नॉर्मल काम होता है, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको ऑफिशियल वर्क मिल जाता है सभी को,
जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है उसको उस हिसाब से वर्क मिल जाता है, ठीक है। जो ग्रेजुएट है उसको अच्छी पोस्ट मिल जाती है, और जो अलग टेक्निकल से है उसको अलग अलग, मतलब कि नगर पालिका में बहुत सारी वैकेंसी तो उसको अलग अलग हिसाब से उसमें मिल जाती है। अब उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन होता है कि इसमें एग्ज़ाम होगा या नहीं, किस प्रकार से आपका सलेक्शन करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम होगा तो क्या होगा, और नहीं होगा तो कैसे सलेक्शन होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपन एग्ज़ाम की। तो दोस्तों इसमें एग्ज़ाम नहीं होने वाला, ठीक है। आपको फॉर्म लगाना, ठीक है। फॉर्म लगाने के बाद लॉटरी बेस पे आपका सलेक्शन होगा, जिसकी अच्छी किस्मत है, यानी कि इसमें इंटरव्यू होता है, ये मान लो इंटरव्यू टाइप होता है, ये होता है। अगर किसी के अप्रोच है आगे तक तो उसका वैसे भी हो जाता है, ठीक है। और वैसे ही इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में जो बंदा सेलेक्टेड होता है वो, मतलब लॉटरी सिस्टम है कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, किस्मत है अपनी, अपनी किस्मत आजमाओ, ठीक है। कोई एग्ज़ाम नहीं, बिना एग्ज़ाम के सरकारी नौकरी मिलती है आपको राजस्थान नगर पालिकाओं में, ठीक है। तो ये अभी आपके सभी क्वेश्चन थे। अगर अब भी अगर आपको कोई डाउट हो गया तो आप कॉमेंट कर सकते हो, आपका इस पर दोबारा मैं वीडियो डाल दूंगा। जो भी आपकी समस्या हो आप बता देना, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।